करके देखें पहला पंद्रह हजार रुपए का दो वर्ष के लिए छह प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि कीजिए। दूसरा आठ हजार रुपए का तीन वर्ष के लिए पांच सही एक बटे दो प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए तीसरा निम्नलिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए पहला दस हजार सात सौ रुपए पर तीन वर्ष के लिए चौदह सही एक बटे दो प्रतिशत वार्षिक दर से दूसरा अठारह हजार रुपए पर दो सही एक बटे दो वर्ष के लिए दस प्रतिशत वार्षिक दर से